झारखंड के जनपद सिमडेगा में उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने रिम्स रांची में कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे डोनरों को समाहरणालय परीक्षण में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एएसआई सिल्वेस्टर क्रिकेट्टा, एएसआई अमूल तिर्की, हवलदार तिलवर तिर्की, आरक्षी 432 नवल किशोर उराव एवं हवलदार सुनील श्रीवास्तव को उपायुक्त ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड के इलाज में आप लोगों का सहयोग काफी असरदार साबित होगा और जिले के अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर कोरोना के मरीजों के इलाज में सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञात हो कि प्लाज्मा डोनेट में सिमडेगा झारखंड राज्य में तीसरा जिला बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी में प्लाज्मा की काफी आवश्यकता है। रांची में अब तक 39 व्यक्तियों ने प्लाज्मा डोनेट किया है जिसका प्रयोग भी किया जा चुका है। आप लोगों ने आगे आकर जिला प्रशासन का सहयोग किया, यह गौरव की बात है। सहयोग के साथ साथ आपने जिला का भी नाम रोशन किया है, इसके लिए जिला प्रशासन आपका आभारी है। उन्होंने यह भी बताया कि शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू में प्लाज्मा संग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में जिला के लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो हैं इस ज़िले का नाम रोशन किए हैं। और आप लोग सबसे पहले जो आपसे बन पड़ा वो आप लोग दे रहे हैं, मतलब कहने का ये बात है कि बहुत लोग यहाँ पर डोनर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले आगे बढ़ के सामने आकर ये बोले कि आप लोग ब्लड दीजिएगा, फिर आप लोग इसके लिए उपयुक्त पाए गए और उपयुक्त पाने के बाद भी आप लोग आगे आके बोले कि हम लोग डोनेट करेंगे। तो वस्तु स्थिति ऐसा है कि अभी रांची में कहा जाए तो 39 लोगों ने अभी तक दिया है और देते ही उन सभी का जो हो गया खपत हो चुका है, तो समझ जाइए कितना ज़रूरत अभी ग्राउंड पर है लोगों का। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो आप लोग अपने स्तर से जो समाज में सेवा कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है सिमडेगा जिला प्रशासन और पूरा राज्य आप सभी का बहुत बहुत आभारी है और आप सभी को धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज़ के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा का।